सॉरी फॉर द इंटरप्शन बेटा, वीडियो फिर से बंद हो गया था. चलो लेट्स कंटिन्यू विद प्रोबिंग पिक्स. प्रोबिंग सम बर्ड्स सच एज हमिंग बर्ड्स एंड सन बर्ड्स हैव अ लॉन्ग थिन प्रोबिंग बीक्स व्हिच दे यूज लाइक अ स्ट्रो टू सिप नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. कई ऐसे बर्ड्स है जिसकी बीक है ना जैसे स्ट्रो कैसे होती है, जब हम स्ट्रो से वाटर को ड्रिंक करते हैं या फिर पेप्सी कोला पीते हैं तो किस तरह से हम स्ट्रो से यूज करते हैं. तो कई बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्लावर्स में से नेक्टर को सक करने के लिए अपनी बीक का यूज करते हैं. जैसे हम स्ट्रो का यूज करते हैं, एज अ स्ट्रो वो यूज करते हैं. वो है हमिंग बर्ड्स एंड सन बर्ड्स. सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स अपनी अपनी फ्लावर में से नेक्टर सक करने के लिए अपनी बीक्स को स्ट्रो के जैसे यूज करते हैं, जिसको प्रोबिंग बीक्स भी कहा जाता है. ओके चलो नेक्स्ट पिक इज अ स्पीयर बीक. स्पीयर मतलब भाला, तलवार का भाला नहीं होता जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, उस तरह से बीक्स होती है. Herons, kingfishers and other fish eating birds have spear like beaks that they use to pierce into a fish and make it out of water. कई ऐसे birds हैं जैसे कि herons, kingfisher and दूसरे जो birds खाते हैं, दूसरे ऐसे fish जो birds या फिर fish को खाते हैं, वो क्या करते हैं, water में जब fish होता है उसके अंदर वो pierce करते हैं, मतलब अपने भाला जैसी जो beak होती है उसको उसके अंदर ऐसे point लगा के उसको दबा देते हैं, pierce कर देते हैं और वो fish को पकड़ लेते हैं. The sharp beaks hold the fish tightly while they swallow it. और वो अपनी बीक से पियर्स, मतलब हम फोक से किस, अगर हम कुछ भी खा रहे हैं तो फोक से किसे पियर्स करते हैं, है ना. अगर हम वाटरमेलन खाते हैं फोक से तो क्या करते हैं, उसको ऐसे फोक से दबाते हैं ना, उसी तरह से किंगफिशर, हेरोन्स एंड अदर फिश होती है ना, वो अपने बीक से अपने फिश को या फिर जो भी इंसेक्ट्स वो खाते हैं उसको बीक से पहले वो दबा के पियर्स कर देती है और उसको टाइटली होल्ड कर लेती है और फिर वो अपनी वो इंसेक्ट्स या फिश को स्वेलो निगल जाती है. इस तरह से हेरोन्स, किंगफिशर एंड अदर फिश अपनी फिश को खाने में, अपने बीक्स को खाने में यूज करते हैं. जो देखो यहाँ पे किंगफिशर्स, हेरोइंस एंड क्रेन्स को आपका पिक्चर दिखा रहे हैं. देखो अपने बीक से वो लोग किस तरह से पियर्स करके यहाँ पे फिश को या इंसेक्ट्स को दबा लिया और फिर उसको पूरा निगल जाते हैं, स्वेलो कर जाते हैं. नाउ अदर बीक स्टाइल. द वुडपेकर हैज अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बीक दैट इज लाइक अ चीजल एट द टिप. वुडपेकर की जो बीक होती है ना वो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बीक होती है, जैसे चिजल होता है. इट यूज इट्स बीक्स टू पैक और ड्रिल होल्स इन अ बार्क ऑफ ट्रीज टू सर्च फॉर इंसेक्ट्स. वो अपनी बीक से ट्री के बार्क में, ट्री के शार्प बार्क होता है ना जो इसके अंदर पियर्स करते हैं, मतलब उसमें से खोतरे, अपनी बीक से वो पूरा खोतर के अंदर से इंसेक्ट्स निकालते हैं, ट्री में से इंसेक्ट्स निकालते हैं. Some birds such as a flycatcher catch and eat insects that fly. They have flat white beaks for this purpose. Okay? कई ऐसे flycatchers हैं जो insects खाते हैं, तो वो fly करते करते ही insects खाते हैं, उनकी भी ऐसी different type की beaks होती है और उनकी beaks flat होती है और wide होती है. The common crow is just about anything include the flesh of dead animals, nuts, seeds, fruits, and insects. Their beaks are multi-proper beaks and help them to use it for different purposes. Crows होते हैं जो सब कुछ खाते हैं, nuts भी खाते हैं, fish भी खाते हैं, flesh भी खाते हैं, seeds भी खाते हैं. उनकी multi-purpose beak होती है, वो जो भी खाना खाना चाहे वो अपनी beak से खा सकते हैं. वो flesh भी खा सकते हैं, seeds भी खा सकते हैं, fruits भी खा सकते हैं, nuts भी खा सकते हैं. हर एक चीज crow होता है वो अपनी बीक से खाता है. ओके? तो यहाँ पे हमने बहुत सारी डिफरेंट बीक्स के बारे में बात की है. पहले हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर सारे टीथ की बात की, उसके बाद यहाँ पे हमने सारे बीक्स की बात की. अब नेक्स्ट जब लेक्चर होगा, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम क्लोज की बात करेंगे. क्लोज मतलब उनके जो पैर होते हैं, उनके जो पंजे होते हैं, उसकी हम बात करेंगे.
आई होप योर बिक्स का चैप्टर, बिक्स के दो जो वीडियोस बचे हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे पूछ लेना है, ओके। चलो आई अगेन कैच यू इन द नेक्स्ट पीरियड, टिल देन बाय बाय।